बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अलैहि व सहाबीही बारिक व सल्लम सलातन व सलामन लेके या रसूलुल्लाह। वो चेहरा चांद सा जो बोशा गाए मुस्तफ़ा ठहरा, उसी चेहरे पर आकर गुब्बारे करबला ठहरा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक अरब बद्दू को देखा कि वो गलत तरीके से वज़ू कर रहा है। दोनों भाई उस अरब बद्दू के पास गए। आप ये भी चाहते थे कि इसका वज़ू का सही तरीका इस तरह बतलाया जाए कि इसे किसी को भी तरह की शर्मिंदगी ना हो। देखिए कैसे कैसे नसीहत का तरीका, इसलिए फरमाया, ए शेख, हम दोनों तुम्हारे सामने वज़ू कर रहे हैं, तुम बताओ कि हमारा वज़ू सही है या गलत। उस बद्दू ने जब दोनों शहजादों को वज़ू करते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि हमने गलत तरीके से वज़ू किया था। किसी की गलती को दुरुस्त करने का इलाही तरीक़ा वही अपना सकता है जिसने खुल्क अज़ीम की आगोश में तरबियत पाई हो, और ये अजीम दौलत रसूल और आले रसूल और औलिया कामिलीन की ज़िंदगी में मिलेगी। अब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का दूसरा अजीम वाक़या पढ़िए और आपके नक्श कदम पर चलने की कोशिश कीजिए, तब आपकी अकीदत और मोहब्बत का दावा सही माना जाएगा। सिर्फ ज़बानी और रस्मी मोहब्बत की कोई कदर कीमत नहीं। जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी आदत को तशरीफ़ ले गए। वो बहुत ही गमज़दा और परेशान नज़र आ रहे थे और बार बार ये कहते थे, हाय अफसोस, क्या होगा। हज़रत सैयदुल शुहदा ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या बात है कि आप इतने गमज़दा और परेशान नज़र आ रहे हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने जवाब दिया कि मैं उस वक्त 60,000 दरहम 60,000 दरहम दरहम का मकरूज हूँ और डरता हूँ कि कहीं मकरूज ही ना मर जाऊँ। हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कर्ज की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी सारा कर्ज अदा कर देता हूँ। और ऐसा ही हुआ कि आपने सारा कर्ज अदा कर दिया और कर्ज की अदायगी के बाद ही हज़रत उसामा बिन ज़ैद की वफ़ात हुई। अब आपकी मोहब्बत ने आंसू बहाने वाले अपने गिरेबान में मुँह डालकर देखे कि हज़रत सिर्फ अल्लाह की रजा खुशनुदी के लिए बेगर्ज़ होकर सखावत और फयाजी दरिया दिली और ख़ुदा के बंदों की हाजत रवाई की। मिसाल हमें सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी और अहले बैत अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह की ज़िंदगी में मिलती हैं। औलिया कामिलीन की खानकाहों में जो नजराने और तवायफ़ दिन में आते हैं, उनका हुक्म था कि शाम होने से पहले गुरबा मसाकिन हाजतमंदों में तकसीम कर दिया जाए, कल के लिए कुछ ना रहना चाहिए, क्योंकि ये तवक्कल के ख़िलाफ़ है। तारीख तस्करे की किताबों में इसकी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। अफसोस कि ये किताब इसकी तहमिल नहीं हो सकती है। यहाँ से डालेंगे पार्ट 147 148 पार्ट 148 पार्ट 148